Next example, 5. What should be added? Added means plus. 2 twice means twice number करते हैं. 2 से multiply करें. 2 twice. The rational number is minus 7 by 3. To get 3 by 7. तो question का मतलब क्या है? कि हम क्या add करें? To twice the rational number. Rational number क्या है? Minus 7 by 3. फर्स्ट इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या बनता है. ट्वाइस द रैशनल नंबर, ट्वाइस द रैशनल नंबर क्या बनेगा, ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 बाय 3. स्टेटमेंट का मतलब ये बन गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 बाय 3. ये जो बना नंबर, इसमें क्या ऐड करें, ये हमारे पास आंसर क्या है, 3 बाय 7. तो क्या ऐड करना है, व्हाट शुड. तो व्हाट शुड जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट. Let the number be added. उसको हम add कर लेते हैं x. x को add करेंगे. Now according to question, हमेशा लिखना है according to question. Question के according क्या है, जो नंबर x है उसको हम ऐड करेंगे. टू ट्वाइस द रैशनल नंबर x प्लस टू ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस 7 बाय 3. टू गेट मतलब हमें क्या मिलेगा, मीन्स इक्वल्स टू 3 बाय 7. ये जो स्टेटमेंट फॉर्म का इक्वेशन हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब इस इक्वेशन को हमने निकलना है, सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. दिस इंप्लाइज x 2 7 साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 7 रूट ऑफ 14 बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 7. अब इक्वेशन सोल्व करने में आती है, अब जो प्लस है माइनस में वो राइट हैंड साइड में जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा प्लस. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 बाय 7 प्लस 14 बाय 3. अब हम 3 और 7 पे लेंगे एलसीएम, तो दिस इंप्लाइज x क्या आएगा हमारे पास, 3 और 7 का एलसीएम 21. ओके, 7 का डिनोमिनेटर में यहाँ 21 है, तो 7 से 21 को डिवाइड किया, 7 3 से 21 होता है. तो जो क्वेश्चन आया हमारे पास मीन्स 21 को हमने किया 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3. इस क्वेश्चन को हम इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस सेम प्रोसेस से फीड करेंगे. 21 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 3, 7 से 21 होगा, क्वेश्चन आएगा 7. अब ये जो क्वेश्चन आया 7, इसको हम इसके रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, ये जो न्यूमरेटर है 14 के साथ मल्टीप्लाई. तो आया हमारे पास 7 इंटू 14. नेक्स्ट क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 7 4 जा 28, 8 2 कैरी 7 जा 7 प्लस 2 9, 98 बाय 21. 8 प्लस 9 70, 7 1 कैरी 9 प्लस 1 10, 107 डिवाइडेड बाय 21. ये कैंसिल आउट नहीं होता उसमें, तो इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 107 प्लस 107 डिवाइडेड बाय 21. तो इसके साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, वो आगे हमारे पास 107 डिवाइडेड बाय 21, तो हमें आंसर मिलेगा 3 बाय 7.